हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आ चुका हूँ आज़ादपुर सब्जी मंडी। और दोस्तों आज जो है प्याज की रेट की जानकारी लेने वाले हैं कि आज की प्याज के क्या कुछ भाव चल रहे हैं। और अभी जो दोस्तों प्याज जो है कुछ ज़्यादा ही इस टाइम में जो है आ रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों प्याज की जो है आप क्वालिटी देख पा रहे हैं, इन भैया जी के पास जो है नई वाली प्याज भी आ चुकी है, तो इनकी भी रेट की जानकारी लेंगे कि इस टाइम में जो है क्या कुछ भाव चल रहे हैं, सारी चीज़ पर दोस्तों बात करने वाले हैं। और जैसे कि दोस्तों आप जो है सामने में देख पा रहे हैं, यहाँ जो है नई वाली प्याज की बोली लग रही है और 1500 तली की जो है बोली इस टाइम में जा चुकी है, 1500 रुपये तली की बोली इस टाइम में जो है लग चुकी है। तो आज जो दोस्तों हम आपको यही सारी चीज़ जो है डिटेल में बताने वाले हैं कि आज की प्याज की क्या कुछ रेट चले और कहां कहां से कितने गाड़ी आए हैं, सारी चीज़ पे दोस्तों बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो जो है पूरा फुल एंड तली का आपको ज़रूर देखना है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि और भी ऐसे ही हमारी आने वाली ब्लॉग जो है आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेंगे कि आज की प्याज की क्या कुछ रेट चल रहे हैं। दुकान नंबर है A330। तो चलिए इन भैया जी से जो है रेट की जानकारी लेंगे कि आज की प्याज की क्या कुछ रेट चले। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। आज प्याज की भैया जी क्या कुछ रेट चले और कहां कहां से आज जो है कितने गाड़ी आए हैं, टोटल कितने गाड़ी मंडी में आए हैं? आज जो है 63 गाड़ी खड़ी है जी। उसमें जो है आपका 15 गाड़ी नासिक है, NCCF 20 गाड़ी है, पूना का 8 गाड़ी है, राजस्थान का 9 गाड़ी है, MP का 10 गाड़ी है, एक गाड़ी नेफड है। 63 गाड़ी खड़ी है, उसमें 37 गाड़ी कलेक्ट खड़ी है। अच्छा, ताज़ा माल 37 गाड़ी आया है आज। अच्छा, और अब 6500 खैरथल का माल है। 6500 करती खैरथल का भी इस टाइम में ज़्यादा आने लगे। हाँ, 6500 आया आज, कल आया था 4000, आज 6500। अच्छा, अब धीरे धीरे इसे बढ़ते रहेंगे खैरथल वाले? जी जी, बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, 1000-2000 रोज बढ़ेगा। और मंडी में जैसे कि देख पा रहा हूँ आड़त पे जो प्याज कुछ ज़्यादा ही रखे हुए हैं। हाँ, तो ये सब व्यापारी को नुकसान हो रहा है। अब पुराना प्याज को जो है 1000 रुपये से लेके 1400-1500 रुपये है। अच्छा, पुराने वाली जी। अब यानी कि रेट जो है अचानक गिर चुके हैं? गिर चुके हैं। और उठाव कैसा है इस टाइम में? उठाव नहीं है, लोग घबरा गए हैं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, जो लोग रोज लेते हैं रोज बेचते हैं, उतना ही माल खरीद रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, स्टॉक नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट का जो कोई पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता जी। और सारे एरिया का एक एक करके रेट बताइए तो क्या क्या कुछ रेट चले? आपका अलवर का माल जो है नीचे में 1200 से लेके 1600-1650 जी। और MP का माल जो है 1000 से लेके 1300-1400 जी। नासिक का माल जो है 1000 से लेके 1300-1400, NCCF भी 1100-1200-1300 जी। और ये केरथल वाली क्या कुछ बहुत चले? केरथल वाला नीचे में गोल्टा गोल्टी जो है 1100 से लेके 1650 तक बिकी है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी 1650-1660। अब क्या लगता है उम्मीद की, अब जो है प्याज भी कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं मंडी के अंदर, अब क्या रेट बढ़ेंगे क्या? नहीं, रेट अब नहीं बढ़ेगी, 2-4 दिन यही चलेगी। अच्छा, हाँ, खरीदार नहीं है बाजार। अब जो माल के उठाव भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा कम है। नए माल का उठाव है, नए माल का खरीदार है। अच्छा, पुराने माल का नहीं। अच्छा, नए माल क्या स्टॉक कर सकते हैं क्या? नहीं, वो 1 से 2 दिन के लिए रखेगा, नहीं तो खराब होने लगता है। कच्चा प्याज होता है? कच्चा प्याज, ये दिखाइए ना। तो जैसे कि दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं इस टाइम में जो है कच्चे प्याज आ रहे हैं और इसकी जो है अभी क्वालिटी भी नहीं बनी है ठीक ठाक। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, अपना दुकान नंबर मोबाइल नंबर भैया। दुकान नंबर A320 जगमोहन ट्रेडिंग कंपनी। मेरा मोबाइल नंबर है 78-271-95-054। जयदेव यादव। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आपने जो है देखे प्याज की रेट, तो डेली का दोस्तों मंडी का अलग रेट होते हैं, डेली ताज़ा माल आते हैं और डेली ताज़ा भाव होते हैं दोस्तों। अभी जो है नई वाली प्याज की क्वालिटी उस तरीके से नहीं आ रहे हैं और आने वाली समय में जो है नई प्याज की क्वालिटी भी ठीक ठाक आने लगेगी। और अभी जो है पुरानी प्याज की जो है उठाव कम हो चुके हैं और नई वाली प्याज की जो है उठाव इस टाइम में बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की हमारी ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।